हरे कृष्ण। आज श्री श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। श्री श्रीवास ठाकुर पंच तत्वों में से एक शुद्ध भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का रूप अंगीकार करके कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तब वे अपने निजी पार्षदों के साथ आते हैं। गौर लीला के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित और श्री श्रीनिवास पंडित हैं, जिनमें से श्री श्रीनिवास पंडित भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि हैं। एक दिन की बात है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य आवेश में श्रीवास पंडित के घर जाते हैं और श्रीवास पंडित से प्रश्न करते हैं, श्रीवास तुम किनकी पूजा करते हो, तुम्हारे आराध्य कौन है। ऐसा कहके वह कहते हैं कि तुम अपनी आँखें बंद करो और उन्हें अपने समक्ष महसूस करो। ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में उपस्थित मंदिर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी विष्णु की चार भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे संकीर्तन यज्ञ और श्री अद्वैत की पुकार से अपने वैकुंठ लोक को छोड़कर यहाँ पे अपने पार्षदों के साथ प्रकट हुआ हूँ। अब मैं दुष्टों का संहार करूँगा और भक्तों का उद्धार करूँगा। ये देखकर श्रीवास ठाकुर भाव विभोर होकर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। वह उनके गुणगान में अनेक प्रार्थनाएं की। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके संपूर्ण परिवार को ये दिव्य दर्शन दिए। तो आइए आज श्रीवास ठाकुर के तिरुभाव दिवस पर हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने चरण कमलों में प्रीति प्रदान करें और गौर सुंदर के प्रति हमारी आसक्ति उत्पन्न करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।